वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, वैकेंसी आ रखी इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना, थल सेना में वैकेंसी है। अब ये जो वैकेंसी, इसकी खास बात ये है कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों इसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, वरना आर्मी की कई सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट कर सकता है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात ये हो गई, ठीक है। और इसके अलावा विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं फॉर्म। अब देखिए, ये जो नौकरी है ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये टोटल नौकरी की बात करूँ, SSC क्या होती है इसके बारे में, 10 साल की नौकरी होती है, फिर 2 साल बढ़ा दी जाती है, 2 साल बढ़ा दी, तो इस तरह अगर टोटल नौकरी की बात करते हो आपकी 14 साल की नौकरी होती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे धीरे धीरे आगे बढ़ने पर। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में 55 जो है ना 55th ये शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मैन का कोर्स है, और 26 जो है ना वुमेन का कोर्स है। कोर्स का नंबर है कि इतने कोर्स आपके हो चुके हैं। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें क्या हैं, भारत का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, या भूटान का कोई भी बच्चा, या नेपाल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और अगर आप कहीं और से रहने वाले हो तो आप इसे भी देख सकते हो। उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा में बात यह है कि SSC ये जो वैकेंसीज हैं ये टेक के लिए हैं, और वुमेन के लिए भी टेक की वैकेंसी, टेक का मतलब है टेक्निकल के लिए। तो अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट है, कहने का मतलब BTEC वगैरह, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको नीचे बताऊंगा। तो ये जो वैकेंसी है, ये की उम्र सीमा आप यहाँ से देख सकते हैं कि 20 से 27 साल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी उम्र सीमा जो है ना 2 अक्टूबर 1993 से 1 अक्टूबर 2000 के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी इन दोनों डेटों के बीच में पढ़नी चाहिए। अब देखिए, विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए, इनके लिए जो है ना मैक्सिमम 35 साल तक ये लोग अपना फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। तो दो तरह की वैकेंसी, एक टेक्निकल वाली, एक विडोज वाली। तो ये बात होगी, और आगे देख लेते हैं हम। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर आप जो है ना फाइनल ईयर में हो तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप फाइनल ईयर में तब भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पास में जो ना फाइनल ईयर के रिजल्ट 1 अक्टूबर 2020 के पहले पहले आ जाना चाहिए, जो कि आ जाएगा। जो अभी मान लीजिए मार्च में आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपका जो ना जल्दी ही आ जाएगा, अप्रैल मई जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अपीयरिंग बच्चे भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ये उनके लिए है जो विडोज और डिफेंस पर्सनल। बाकी टेक्निकल वालों के लिए BE या BTEC वगैरह इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में देख लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग से जो ग्रेजुएट है उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी 42 है, लेकिन इससे भी ज़्यादा वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, 58 वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए 17 है, मैकेनिकल के लिए 14 है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। आप अपनी जो है ना जिस सब्जेक्ट से आपने BTEC किया है उसके हिसाब से देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 175 है, जो कि ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज के बारे में हो गई। अब देखिए, जो वुमेन की है SSC वुमेन के लिए टेक 26 जो वैकेंसी हैं आप यहाँ से देख पाएंगे। अब वुमेन के लिए कितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में देख लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 है, आप मैकेनिकल के लिए 2 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 हैं। तो इस तरह आप अपनी वैकेंसीज भी देख सकती हैं। तो टोटल 14 वैकेंसी फीमेल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है, और जो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सन उनके लिए टोटल 2 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी हालांकि काफ़ी कम है, लेकिन 2 ही है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम देखते चलते हैं। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो आपको लिया जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ठीक है। आपकी शुरुआत होगी लेफ्टिनेंट रैंक से होगी। आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में और जानकारी। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स की होगी, कहाँ होगी, OTA चेन्नई में। तो ये भी हम हालांकि पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन एक एक करके और चीज़ें आपको हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट, नौकरी आपकी पहले 10 साल की होगी, फिर आपकी जो है ना ये बढ़ाई भी जा सकती है टाइम टू टाइम के हिसाब से। तो अगर आप अभी देख रहे हैं कितने साल की है, तो ये 10 साल की है, फिर इसमें 2-2 साल करके बढ़ाया भी जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन 14 साल तक की आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हो सकती है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी पर वीक इतना खर्चा आता है, लेकिन ये जो है ना आपका ये खर्चा सरकार द्वारा ही
वहन किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप जो इन बीच में जैसे ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, तो अगर आप इसे छोड़ते हैं तो आप पैसे वसूले जाते हैं, अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं फिर नौकरी करते हैं तो आपसे ये सारी पैसे नहीं वसूले जाते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी ट्रेनिंग के लिए 12,000 रुपये प्रति महीने का खर्चा आता है, ठीक है। प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनेंगे, देन कैप्टन, देन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, 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 ठीक है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। लेकिन आप जो है ना मैक्सिमम 13-14 साल तक नौकरी कर सकते हो, तो आप अधिकतम लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल की रैंक तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आप वेतन तनख्वाह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनेंगे, आपका पे लेवल 10वां रहेगा, 56,100 आपका मूल वेतन रहेगा, तो करीब करीब 70,000 रुपये प्रति महीने की आपको नौकरी मिल जाएगी। मिलिट्री सर्विस पे की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं इतना मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप कैडेट ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, जेंटलमैन कैडेट या लेडी कैडेट जब आप रहेंगे, जब ट्रेनिंग के दौरान आपके, ठीक है, ओटीए में, तो आपकी 56,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको तब भी दिया जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन के लिए आपको मिलेगा फ्लाइंग अलाउंस आपको मिलेगा, ठीक है, अदर अलाउंसेस जो आपको सरकार देती है वो सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो आपको मिलेंगे, सियाचिन में आपको ये मिलता है, यूनिफॉर्म आपके लिए 20,000 रुपये पर ईयर का है, खाने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी मुहैया कराई जाएंगी, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, चिल्ड्रेन अलाउंस जब नौकरी लग जाती है और जब आपके बच्चे वगैरह होते हैं तो 2250 मतलब 2,250 रुपये आपको बच्चों की शिक्षा के लिए मिलते हैं। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड भी आपको दिया जाता है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई करें, फॉर्म आप कैसे भरोगे, तो जाना है आपको www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर, वहाँ अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपना जो है ना फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक SSB होगी, ठीक है, कोई रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो आप भरेंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको जो है ना SSB के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ कहाँ पर? इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, कपूरथला, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है ना SSB ली जाएगी। और SSB में जैसा कि आप जानते हैं दो चरण होते हैं, पहला स्क्रीन इन होता है, दूसरा आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो, स्क्रीन इन जो जो बच्चे पहले दिन जाते हैं उन्हें स्क्रीन इन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, PPDT वगैरह होता है, इसमें आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियो भी पढ़ रखा चैनल पर। दूसरा जो आपका स्टेज 2 होता है वो 5 दिन तक चलता है, तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, GTO टास्क वगैरह होते हैं आपके, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह इसी में होता है, ठीक है, और भी कई चीज़ें आपके जो है ना GD वगैरह इसी में होता है स्टेज 2 में। जब स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्टेज 2 में जो है ना भेजा जाता है, वरना 1 दिन बाद ही आपको घर भेज दिया जाता है। जब आप SSB क्लियर कर लेंगे तो आपका वहीं पर मेडिकल एग्जाम तुरंत का तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब जो आप SSB नंबर लेके आएंगे उन्हीं नंबरों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ध्यान रहे, आप जितना अच्छा स्कोर कर सकें, जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकें, आप उतना बेहतरीन करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने फॉर्म जो है ना 20 फरवरी से पहले पहले भर दीजिएगा। वेबसाइट हमने आपको बता दी, फॉर्म भरने के कोई पैसे नहीं है, मुफ्त में फ्री आपका फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, चाहे जनरल OBC SC ST, सब लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र सीमा में किसी को कोई छूट नहीं है, जो इसमें दे रखी है उसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे, हम आपसे मिलते हैं अगले, तब तक के लिए वंदे मातरम।